नमस्कार, स्वागत है आपका FPR न्यूज में। खबर रींगस से। कोविड 19 टीकाकरण की श्रृंखला में आज राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय रींगस के आदर्श टीकाकरण केंद्र पर कुल 315 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई, जिनमें 11 दूसरी डोज स्वास्थ्य कर्मियों को एवं 274 प्रथम डोज 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को एवं 30 प्रथम डोज स्वास्थ्य कर्मियों को लगाई गई। सामुदायिक चिकित्सालय के डॉक्टर विनोद गुप्ता ने बताया कि कोविशील्ड वैक्सीन से किसी भी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है तथा वरिष्ठ जनों को टीकाकरण के लिए प्रोत्साहित भी किया। अब यह टीकाकरण शुक्रवार 5 मार्च 2021 को 60 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को लगाई जाएगी।